हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग स्टाइल विद साथिया। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम स्टाइल विद साथिया में आपको एक बहुत ही अच्छा टोनर बनाना बताएंगे, जो कि आपकी स्किन को बहुत ग्लो करेगा और आपकी स्किन को बहुत फ्रेशनेस देगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा होम मेड टोनर, जिसको लगाने के बाद यू विल फील वेरी फ्रेश। जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है हमारे पास रोज़ वाटर, एप्पल साइडर वेनेगर, एस्प्रीन या डिस्प्रीन और एक एम्प्टी बॉटल। ये हमारे पास एस्प्रीन है। एस्प्रीन इसमें से हम 2 या 3 एस्प्रीन ले लेंगे, उसको निकाल के और हम इस बॉटल में डालेंगे। सबसे पहले हम इस बॉटल में लेंगे, ये हमारे पास है रोज़ वाटर। ऑलमोस्ट 1/4 हम इसमें रोज़ वाटर फिल कर देंगे लाइक दिस। ये देखिए हमने कर दिया। बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है वो हम इसमें डालेंगे एप्पल साइडर वेनेगर। ये देखिए ये हमने इसमें एप्पल साइडर वेनेगर डाल दिया। और इसके बाद हम लेंगे एस्प्रिन या डिस्प्रिन की 2 या 3 टैबलेट। अगर एस्प्रिन है तो आप इसको क्रश करके डालिएगा, अगर डिस्प्रिन है तो आप उसको ऐसे ही डाल दें। ये डालने के बाद अब आप इसको अच्छे से शेक करेंगे, क्योंकि एस्प्रिन मैंने डाली है ये थोड़ा टाइम लेगी डिजोल्व होने के लिए और डिस्प्रिन फौरन हो जाएगी। इसको अब हम शेक करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से ये अब मिक्स करेंगे, ये पूरी डिजोल्व हो गई। अब आप इसको अपने फेस के ऊपर ये पूरा टोनर अप्लाई करेंगे ये इस तरह से, और इसको ड्राई होने देंगे। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर जिसकी स्किन ड्राई है वो इसके अंदर थोड़ी सी ग्लाइसरीन भी ऐड कर सकता है। और ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके फेस पे एक्नी और स्कार्स भी होते हैं। और दिस इज़ स्पेशली फॉर ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए। अगर जिसकी ड्राई स्किन है वो इसमें थोड़ा सा ग्लाइसरीन डाल दें और ये एस्प्रिन को डाल के आप लोग अपना टोनर आराम से बना सकते हैं, घर में रख सकते हैं। आई होप आपको ये टोनर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब माई चैनल, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो जल्द अज जल्द मिल सके। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये टोनर कैसा लगा है और इसके रिज़ल्ट कैसे हैं, क्योंकि मैंने ये यूज़ किया, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ गाइज़, बाय बाय।